एक विदेशी अखबार ने छापी थी खबर, गडकरी के सरकारी बंगले में अत्याधुनिक जासूसी उपकरण लगने की कही थी बात। विदेशी एजेंसी ही इस्तेमाल करती है इस तरह के उपकरण, विदेशी खुफिया एजेंसी पर शक गहराया। अपने घर जासूसी उपकरण मिलने की खबर को नितिन गडकरी ने किया खारिज, ट्वीट कर कहा ये अटकलबाजी है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा जासूसी उपकरण मिलने की खबर गलत। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा अगर कांग्रेस संसद में उठाएगी मामला तो उसकी कलई खोल देंगे। स्वामी ने कहा 2013 में अमेरिकी अदालत ने एनएसए को दी थी जासूसी की मंजूरी, संसद में उठाया तो कांग्रेस को दिखाएंगे सबूत। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी जासूसी की खबर से किया इनकार, कहा गडकरी ने कर दिया है खबर का खंडन। शाहनवाज ने कहा कि खबर छापने वाले अखबार ने भी केवल जताई है जासूसी की संभावना, इस बारे में पता करेंगे। जिसने इसको दिया है उसको क्लियर करना चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि ऐसी सूचना न गडकरी साहब के पास थी न हम लोगों के पास थी। जासूसी की घटना पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकार को घेरा, कहा मामले की जांच होनी चाहिए। मनमोहन सिंह ने कहा किसी मंत्री के घर जासूसी की बात अच्छे संकेत नहीं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने मोदी सरकार से पूछा क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था या कुछ और। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तमाम खुफिया एजेंसियां उनके हाथ में, किसने क्या किया ये तो आप बेहतर पता कर सकते हैं। आप और मैं इंसानों के रूप में तो हम जान नहीं सकते, तो खुफिया एजेंसियां ही पता कर सकती हैं। तो इसकी जगह कि आप दुनिया भर के अनर्गल बातें कहें, अगर कांग्रेस की सरकार ने कराया था तो आप उसके तथ्य सामने प्रस्तुत करिए, किसी और एजेंसी ने किया था आप पता करिए, आप सरकार हो भाई। सीपीआई नेता डी राजा ने सरकार पर साधा निशाना, सदन को बताए सरकार जासूसी हुई या नहीं। आज सहारनपुर में कर्फ्यू में दी जाएगी ढील, रविवार को कोई अप्रिय घटना नहीं होने पर प्रशासन का फैसला। चार थाना क्षेत्रों में 10 बजे से 2 बजे तक मिलेगी ढील, सड़क बाजार कुतुब जनकपुर और कोतवाली के लोग घरों से निकल पाएंगे। थाना मंडी कोतवाली देहात समेत कुछ इलाकों में 3 बजे से शाम 7 बजे तक दी जाएगी ढील, हालात ठीक रहे तो अगले दिन भी मिलेगी ढील। सहारनपुर में काबू में है हालात, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है शहर पर निगाह। सहारनपुर के हिंसा में अब तक 36 लोग गिरफ्तार, अभी और लोगों की होगी गिरफ्तारी। फिलहाल शहर में सभी स्कूल 30 जुलाई तक बंद, हालात देखने के बाद लिया जाएगा आगे का फैसला। यूपी के गवर्नर राम नाईक का बयान, हालात पर रख रहे हैं नजर। इसके बारे में भी हो या यहाँ दो दिन के पहले लखनऊ में भी जो घटनाएं हुई, जानकारी तो लेता रहता हूँ, वैसी जानकारी लेना यह मेरा कर्तव्य भी है और उसके आधार पर हम काम करते रहेंगे। दो गुटों के बीच हिंसा में हो चुकी है 3 लोगों की मौत, 33 लोग हिंसा में हो चुके हैं घायल। प्रशासन के आला अधिकारी जवानों के साथ कर रहे हैं क्षेत्र का दौरा, चप्पे चप्पे पर जवान है तैनात। 3 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की इफ्तार की मेजबानी, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेताओं का लगा जमघट। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के सभी दिग्गज इफ्तार में पहुंचे, 5 सितारा होटल में इफ्तार का आयोजन। कांग्रेस नेता अजय माकन समेत सभी दिग्गज इफ्तार में शामिल, सभी बड़े नेताओं की रही मौजूदगी। आरजेडी के मुखिया लालू यादव भी इफ्तार पार्टी में पहुंचे, एनसीपी और जेडीयू के नेताओं की भी दिखी मौजूदगी। एनसीपी की ओर से तारिक अनवर इफ्तार में पहुंचे, जेडीयू की ओर से शरद यादव ने की शिरकत।
रामविलास पासवान ने पटना में दी इफ्तार पार्टी, सुशील मोदी रामकृपाल यादव पार्टी में पहुंचे। अखिलेश यादव ने दी इफ्तार पार्टी, गवर्नर राम नाइक ने की इफ्तार पार्टी में शिरकत। अखिलेश की इफ्तार पार्टी में लालजी टंडन भी पहुंचे, मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी थे मौजूद। विधानसभा उपचुनाव में नीतीश और लालू यादव के गठबंधन पर चिराग पासवान ने ली चुटकी, कहा विचित्र लेकिन सत्य है ये गठबंधन। बीजेपी और एलजेपी के गठबंधन पर नीतीश ने की थी यही टिप्पणी, कहा था विचित्र किंतु सत्य। शाहनवाज हुसैन ने इसे बताया डर का गठबंधन, कहा अकेले लड़ते तो साफ हो जाता सूपड़ा। डरे हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो आंधी चल रही है बिहार में उससे डर कर साथ आए, ये मजबूरी में आए, ये मजबूर लोग हैं। नीतीश के कुछ विधायकों को नहीं रास आ रहा है लालू का साथ, कुछ विधायक मानते हैं गठबंधन से होगा नुकसान। गठबंधन तोड़ने के लिए जेडीयू विधायक नीतीश पर डाल रहे हैं दबाव, लेकिन विरोध को नजरअंदाज कर रहे हैं नीतीश। यूपीएससी छात्रों को लेकर लालू यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में बोलेंगे लेकिन देश में हिंदी बोलने वालों को जेल में डालेंगे। सीसैट हटाने को लेकर यूपीएससी छात्रों का प्रदर्शन जारी, मुखर्जी नगर में अनशन पर बैठे छात्र। पिछले कई दिनों से दिल्ली में जारी है छात्रों का आंदोलन, सीसैट हटाने और परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग। अनशन पर बैठे छात्रों का आरोप, शनिवार को कैंडल मार्च निकालने के दौरान पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर आज शिवसेना बीजेपी महायुति की बैठक, बैठक के बाद साफ हो सकती है सीट बंटवारे की तस्वीर। शिवसेना कर रही है मुख्यमंत्री उम्मीदवार का दावा, बीजेपी और शिवसेना नेताओं में सीटों को लेकर भी अंदरूनी मतभेद। प्रस्तावित न्यायिक नियुक्त आयोग पर आज राय लेगी सरकार, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की कानूनविदों और पूर्व जजेस के साथ बैठक। आज दिल्ली के ऑटो यूनियन की हड़ताल, चालान काटने के लिए पुलिस की सख्ती का जताएंगे विरोध। बैंगलोर के स्कूल आज से खुलेंगे, बच्ची से रेप की घटना के बाद से बंद था स्कूल, सीसीटीवी कैमरे, सिक्योरिटी गार्ड की संख्या बढ़ाई। बिहार में बीजेपी सांसदों के रिश्तेदार जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, बीजेपी रिश्तेदारों को टिकट देने को तैयार नहीं। बीजेपी सांसद छेदी पासवान के बेटे को मिल सकता है जेडीयू का टिकट, बिहार में 10 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। पंजाबी सिंगर बलकार सिद्धू बने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, विधानसभा चुनाव में तलवंडी साबो से लड़ेंगे। संगरूर के सांसद भगवंत मान ने किया था समर्थन, एक दिन पहले बलकार की उम्मीदवारी का हुआ था विरोध। अहमदाबाद में आज से शुरू होगी साबरमती आरती, कांग्रेस कर रही है आरती का विरोध। कानपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला मोर्चा, मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। श्रीप्रकाश जायसवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कर्नाटक से आ रही बसों को शिवसैनिकों ने रोका, पुणे बैंगलोर हाईवे पर जमकर किया हंगामा। बसों पर लगे बोर्ड को लेकर विवाद, दो दिन पहले कोल्हापुर में कर्नाटक के कई बसों में हुई थी तोड़फोड़। बिहार के नवादा में एक कैदी ने की आत्मदाह की कोशिश, बुरी तरह घायल कैदी को इलाज के लिए पटना भेजा गया। जम्मू के जेके मेडिसिटी हॉस्पिटल पर गिरी गाज, डायरेक्टर हेल्थ ने रद्द किया रजिस्ट्रेशन। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर डायरेक्टर हेल्थ ने लिया फैसला, हॉस्पिटल की बिल्डिंग में अब नहीं हो सकता कोई काम। आज जम्मू प्रशासन को दिया जाएगा निर्देश,
हॉस्पिटल के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करे। जेके मेडिसिटी हॉस्पिटल की लापरवाही से महिला का हुआ था अबॉर्शन, गर्भवती महिला को गलती से दी थी गर्भपात की दवा। पुलिस ने हॉस्पिटल के खिलाफ दर्ज किया केस, डॉक्टर और एक कर्मचारी हो चुके हैं गिरफ्तार। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल की लापरवाही से के चलते महिला ने अस्पताल के बाहर जन्मा बच्चा, बाहर खड़े देखते रहे डॉक्टर। डॉक्टरों ने महिला को बाहर से अल्ट्रासाउंड करवाने को कहा था, महिला के दर्द को भी किया गया अनसुना। रक्षा मंत्रालय में तैनात इंस्पेक्टर के घर चोरी, बहू पर लगा चोरी का आरोप। घर से 1,00,000 कैश, 45 तोले का गहना गायब, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रोहतक में गैंगरेप पीड़ित और उसके पति को आरोपियों ने बुरी तरह से पीटा, पीड़ित के शरीर में कील गाड़ने का आरोप। दिल्ली में जीटीबी नगर मेट्रो के सामने खुदकुशी की कोशिश, ट्रेन के सामने कूदा 35 साल का युवक। दिल्ली के द्वारका में एमसीडी के सफाई कर्मचारी ने आग लगाकर के खुदकुशी की कोशिश, अधिकारियों पर लगाया बेवजह तंग करने का आरोप। मैनपुरी में 100 रुपए के लिए मर्डर, मजदूरी मांगने पहुंचा था अनोखे लाल, दबंगों ने जबरन पिलाया मिट्टी का तेल। मजदूर के परिवार वालों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप, कहा शिकायत लिखने में कोताही करते रहे खाकी वर्दी वाले। आईआईएम रांची के महिला प्रोफेसर ने साथी प्रोफेसर पर लगाया छेड़खानी का आरोप, पुलिस में मामला दर्ज। दिल्ली के पटेल नगर में पार्किंग विवाद में कारोबारी की पीट पीट कर हत्या, पड़ोस के 2 लोग गिरफ्तार। 54 साल के राजेंद्र भाटिया की पार्किंग को लेकर दूसरी मंजिल पर रहने वाले शख्स के साथ हुआ था झगड़ा, फ्लैट मालिक पर 15-20 लोगों के साथ मिलकर हमले का आरोप। दिल्ली के उस्मानपुर में थाने के पास नरकंकाल मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पश्चिम बंगाल में एक और टीचर बना हैवान, 4 साल की बच्ची को बुरी तरह से पीटा। साउथ 24 परगना जिले की वारदात, आरोपी टीचर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिथौरागढ़ के धारचुला में लैंडस्लाइड, पत्थरों में दबने से 9 की मौत। बंगला गांव के नजदीक हुआ हादसा, प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने को कहा। खराब मौसम के चलते कल तक रुकी केदारनाथ यात्रा, उसके बाद मौसम को देखकर लिया जाएगा फैसला। मॉनसून को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जताया भरोसा, कहा सामान्य रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं। जितेंद्र सिंह ने कहा पहले 6 हफ्ते में उम्मीद से 43% कम बारिश हुई, अब ये अंतर घटकर 32% हुआ, मतलब 11% ज्यादा हुई बरसात। साउथहैम्पटन टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म, इंग्लैंड ने 2 विकेट खोकर बनाए 247 रन। तीसरे टेस्ट में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने की पहले बल्लेबाजी, कप्तान एलिस्टर कुक शतक से चूके, 95 रन बनाकर आउट, बैलेंस का शतक। साउथहैम्पटन में मैच से पहले ही भारत को लगा झटका, चोट के कारण ईशांत शर्मा टीम से बाहर। ईशांत शर्मा की जगह पंकज सिंह टीम में, स्टुअर्ट बिन्नी की जगह रोहित शर्मा को मौका। आईसीसी और बीसीसीआई के बीच टकराव के आसार, जडेजा को लेकर धोनी के बयान पर आईसीसी ने जताई आपत्ति। भारत के खाते में आया एक और स्वर्ण पदक, वेटलिफ्टर एस शिवलिंगम ने 77 किलोग्राम कैटेगरी में जीता गोल्ड। इसी कैटेगरी में आर कुटुलू ने जीता रजत पदक, 6 गोल समेत भारत ने अब तक कुल 22 पदकों पर किया कब्जा। शूटिंग में श्रेयसी सिंह ने महिला डबल ट्रैप में रजत पदक जीता, पुरुष डबल ट्रैप में मोहम्मद असफ को मिला कांस्य। 63 किलोग्राम कैटेगरी में पूनम यादव का जलवा, भारत को दिलाया कांस्य पदक। निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतकर स्वदेश लौटे बिंद्रा, कहा स्वर्ण पदक के साथ स्वदेश लौटना गर्व की बात।
ऐश्वर्या राय बच्चन ने स्टेम सेल बैंकिंग की वकालत की, कहा बेटी के लिए रिश्तेदारों ने स्टेम सेल बैंकिंग की दी थी सलाह। ईद के एक दिन पहले भोपाल में रौनक, दुकानों पर लगी खरीदारों की भीड़। लीबिया के बेनगाजी शहर में सेना और विद्रोहियों में मुठभेड़, 36 लोगों की मौत, 65 लोग घायल। फ्रेंच सेना ने जारी किया अल्जीरियाई प्लेन का वीडियो, हादसे में 118 यात्रियों की हुई थी मौत। यूक्रेन में विमान हादसे की जांच के लिए घटनास्थल पर अंतर्राष्ट्रीय सेना भेजने से नीदरलैंड का इनकार, पीएम ने कहा खतरे में पड़ जाएंगे जवान।